नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सुनील ऑटो कार में। सो आज आप सभी के सामने पेश है महिंद्रा थार। एंड तो आज आप लोग देखेंगे महिंद्रा थार का यहाँ पे अर्थ एडिशन जो आपके सामने खड़ा हुआ है पे गोल्डन कलर में। मतलब इसमें क्या होता है ना, रेगुलर वाली महिंद्रा थार से कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले देख रहे हैं ये इसका कलर जो आपको न्यूली यहाँ पे दिया जाएगा इस अर्थ एडिशन के साथ। बाकी इस गाड़ी की जो प्राइस रेंज यहाँ पर रहने वाली है 11,34,000 से एक्सरूम स्टार्ट हो जाता है इसका यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट। बाकी टॉप मॉडल इसका जाएगा वही 18 से 19 लाख तक। 4x4, 4x2 दोनों ही आपको यहाँ पे इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अभी आपके सामने इसका अर्थ एडिशन खड़ा हुआ है 4x4 डीजल में। वेरिएंट्स यहाँ पे इसका AX ऑप्शनल एंड LX दो देखने को मिलेंगे। एंड इस वेरिएंट के साथ इस तरह कुछ आपको मिलती है फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जिसमें लॉक अनलॉक बजर के बटन्स रहेंगे। पीछे देखेंगे महिंद्रा का लोगो। अब आइए चलते गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। और भाई साहब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया सी है ना, पूरा यहाँ पे पहाड़ वहाड़ लगा के एकदम डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीनरी वगैरह, जैसे कि ना एडवेंचर करते कहीं ऑफ रोडिंग करते हैं उसी हिसाब से बड़े सा इसको पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि डिस्प्ले पर लगाया गया है। सो फ्रंट प्रोफाइल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा की आपको बैजिंग मिलती है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उसी तरह ब्लैक कलर की इसकी यहाँ पे पूरी ग्रे। एंड ग्रिल के साथ ही साथ वर्टिकल शेप में यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि बॉडी कलर है तो सेम उसी तरह आपको यहाँ पे इसमें स्लाइड्स भी देखने को मिल जाएंगी। देन इसके बाद हेडलैम्प्स की बात करें तो नॉर्मल से हैलोजन बेस यहाँ पे आपको उसके हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप मिलेगा। साइड में जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड ADRLs की देखेंगे रहेगी प्लेसमेंट। प्रॉब्लम्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बम्पर वगैरह काफ़ी बड़ा सा सॉलिड सा, इसमें भी आपको मिलेगी यहाँ पे थार की ब्रांडिंग। और प्रेजेंटेशन जो देख रहे हैं ना भाई साहब, कितनी तगड़ी से यहाँ पे की गई, जैसे कि ना एडवेंचर वाली गाड़ी, तो यहाँ पे भाई साहब पहाड़ वगैरह एकदम पेड़ पौधे लगा के एकदम इसको डिस्प्ले किया गया है। नीचे की बात करें तो ये देखेंगे पूरा नीचे आपको इंजन गार्ड वगैरह भी देखने को मिलता है, क्योंकि भाई साहब ऑफ रोडिंग SUV कार है तो यहाँ पे ये प्रॉपर आपको दिया गया है। एंड इस तरह दिखेगा नीचे से, यहाँ पे टोइंग हुक वाला आपको ऑप्शन दिया गया। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको मिलता है एकदम सॉलिड सा 226 mm का, 226 mm का, जहाँ पे आराम से आप इस गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये बात हो गई इसके यहाँ पे पूरे फ्रंट प्रोफाइल की। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, वहाँ पे देखेंगे तो इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की रहेगी प्लेसमेंट। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब ना शेर विराजमान है, मतलब प्रेजेंटेशन भाई साहब एकदम तगड़ी से यहाँ पे की गई है शोरूम पे। तो ये बात हो गई इस गाड़ी की यहाँ पे पूरी फ्रंट प्रोफाइल की। अब आइए चलते साइड में। सो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आप देखेंगे ये भाई साहब यहाँ पे इसका अर्थ एडिशन, तो बैजिंग तो वहाँ पे देगी लेकिन एक कलर आपको न्यूली मिलता है, ग्राफिक्स भी आपको देखने को मिलेगी इसके साइड प्रोफाइल में। थार की यहाँ पे आपको मिलती है ब्रांडिंग जो आपको ब्लैक फॉन्ट में ऑफर की जा रही है। 18 इंचेस के यहाँ पे सॉलिड से अलॉय व्हील्स जो आपको ऑल ट्रेन यहाँ पे टायर्स रहेंगे। टायर प्रोफाइल की बात करें 255x65 18 इंचेस के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स, इतना कुछ यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर। फेंडर बैग यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट काफ़ी चौड़ी सी यहाँ पे देखेंगे, ये आपको क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी। ब्रांडिंग आपने देख ली थार की, यहाँ पे बैजिंग वगैरह, ये पूरा ग्राफिक्स, आउटसाइड मिरर्स यहाँ पर रहेंगे मैट ब्लैक फिनिश में। ये आपको मैनुअली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं इसके आउटसाइड मिरर्स। एंड इसके बाद ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो इसका यहाँ पर अर्थ एडिशन है, उसके यहाँ पे आपको मिलेगी बैजिंग। अंदर की बात करें तो इस एडिशन में क्या खास रहेगा वो आप देखिए, सीट्स का जो कलर है ना सेम आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा, मतलब बीच में सेम बॉडी कलर, हैंड साइड में आपको ब्लैक फिनिश मिलती है इनके सीट्स में। और क्या कुछ रहेगा अभी आपको बैठ के दिखाएंगे यहाँ पे प्रॉपर पूरा डिटेल में। इसको यहाँ पे करेंगे बंद, ये हो गई इसकी बैजिंग, ये इसका पीछे वाला पूरा ग्लास पैनल वाला एरिया। एंड इसके बाद रियर व्हील की बात करें तो ये आपको नॉर्मल सा ड्रम बैक्स मिलता है 18 इंचेस के, काफ़ी सॉलिड से रहते हैं। एंड ये स्पेस देख रहे हैं ना भाई साहब बॉडी सस्पेंशन के बीच में, ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो यहाँ पे काफ़ी सारा आपको गैप देखने को मिल जाएगा। काफ़ी चौड़ी सी यहाँ पे क्लाइडिंग, 4x4 वेरिएंट अभी आपके सामने खड़ा हुआ है तो उसकी आपको बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड ये जो रेड एलिमेंट्स है ना वो भाई साहब एकदम आपको अलग फील देने वाला है इसकी बैजिंग में। अब देखिए बात करें अगर इसके बैक प्रोफाइल की तो कुछ इस तरह यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आप देखेंगे इसका ये स्प्रे व्हील जो आपको दिया जा रहा है सेम, मतलब क्या एलॉयसी आपको मिलेगा, कोई भी यहाँ पे स्टीलिंग वगैरह नहीं, कॉस्ट कटिंग आपको नहीं मिलेगी। MRF के टायर्स आपको कंपनी यहाँ पे दे रही है। एंड थार की ब्रांडिंग भाई साहब आपको ना काफ़ी जगह मिलेगी, कम से कम 10 से 15 जगह टोटल आपको देखने को मिलती है इसकी ब्रांडिंग। एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे LED बैकलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें यहाँ पर रहेगी थार की ब्रांडिंग एंड इसी में आपको मिलेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। इसके बाद एलॉयस आपने यहाँ पे इसका देख ही लिया। ऊपर बढ़ेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया इसका डिफॉगर। एंड स्पेशल थैंक्स नारायण ऑटोमोबाइल्स हजरतगंज लखनऊ जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी कोई भी महिंद्रा की कार स्पान कर रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन अपना टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक कर सकते हैं। एंड इधर यहाँ पे जाएंगे लॉक करने वाला आपको ऑप्शन दिया गया, हैंडल वगैरह भी रहेगा पूरा ब्लैक फिनिश में। बम्पर वगैरह देखते हैं तो पूरा ब्लैकआउट रहेगा, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, बट यहाँ पे कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड टोइंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नीचे की तरफ। इसके बाद ये रहेगा इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप एंड यहाँ पे इसकी एग्जॉस्ट पाइप।
ये सब देखने के बाद अब बात आती है इसके बोर्ड स्पेस की। तो भाई थार में भाई साहब बोर्ड स्पेस देखेंगे इतना कुछ आपको मिलेगा, जिनको लगता है कि भाई साहब कम है तो उनको अभी ऑप्शन आपको दे दिया गया है 5 डोर महिंद्रा थार का, जो आने वाली बहुत जल्द। यहाँ पे अपने छोटे मोटे ट्रॉली बैग झोले वगैरह आराम से रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि बोर्ड स्पेस कम है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको खोलते ऊपर वाला, ये खुल गया। अब क्या करना है, अगर आपको कम लग रहा है इन सीट्स को कर दीजिए फोल्ड, तो ये जब फोल्ड हो जाएंगी तब आपको बड़े सा स्पेस मिल जाएगा। दोनों ये 50-50 रेसो में आपको फोल्डेबल देखने को मिल जाती है, फोल्ड करके एज अ बड़े सा बोर्ड स्पेस यूज़ कर लीजिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं दो लोग। अदरवाइज चार लोग हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सामान वगैरह रखेंगे एक के ऊपर एक करके छोटे छोटे बैग आपके आ जाएंगे। ये आपने देख लिया, आप सबसे पहले इसको करेंगे बंद। यहाँ पे भाई साहब ना सारी प्रॉब्लमें सॉल्व कर दी गई हैं। भाई जिनको लग रहा था कि चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो 5 डोर लॉन्च कर दी, बोर्ड स्पेस की कमी थी चलो उसका भी सोल्यूशन हो गया, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेड इन इंडिया आखिरकार है तो भाई साहब काबिले तारीफ तो काम करेगी, जाहिर सी बात है। ये आपने देख लिया इसका पूरा बैग। इसके बाद जब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा भाई साहब कि इसमें भाई साहब इसका खाना कहाँ से पड़ेगा। हम लोग तो चलो भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें पड़ेगा डीजल, क्योंकि डीजल वेरिएंट आप इसका देख रहे हैं। खोलने का ऑप्शन इकलौता मिलेगा, चाबी से खोलेंगे। 57 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी 57 लीटर की, जहाँ से इसमें पड़ेगा डीजल। एंड ये जो देख रहे हैं एड ब्लू, इसमें पड़ता है एड ब्लू यूरिया, दोनों चीज़ आपको डलवानी पड़ेंगी। पेट्रोल में जाएंगे तो वहाँ पर यूरिया वाला कोई भी जाम नहीं रहेगा। इस चाबी से आपको खोलना पड़ेगा अपने फ्यूल कैप को। तो ये आपने देख लिया, वारंटी वगैरह आपको मिलती है इसमें 2 साल 50,000 किलोमीटर की इस कार के साथ। बाकी कंपटीशन किसी से भी करा लो, सबको भाई साहब ना खड़ा खड़ा धूल चटा देगी कार, पावर फिगर वाइज भी यानी कि इंजन वाइज भी एंड लुक्स वाइज एंड रोड प्रेजेंट वाइज भी। असली रियल एसयूवी अगर कोई ये ऑफ रोडिंग में तो भाई साहब जानी जाती महिंद्रा थार, जिसको बच्चा बच्चा जानते हैं एंड पहली पसंद रहती है इस कार की। ये सब देखने के बाद अब बात आती है इसके इंटीरियर की, तो चलिए देरी ना करते चलते कार के अंदर। और अंदर चलने से पहले अगर इसके डायमेंशन की भी बात कर ली जाए, तो भाई साहब इस महिंद्रा थार में आपको मिलने वाली है 3985 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1855 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे मिलेगी चौड़ाई विथ एंड 1844 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। अब आइए चलते अंदर। तो सबसे पहले खोलते हैं आप इसकी डोर को, डोर पैनल देखेंगे पूरी ब्लैक कलर की, एंड ये अर्थ एडिशन है तो उसी कलर के यहाँ पे देखेंगे आपको ये यहाँ पे मिलने वाली फिनिश, जिसमें आपको थार की ब्रांडिंग मिलेगी, डोर ओपनर यहाँ पे, ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, नीचे यहाँ पे बॉटल वगैरह अपनी लगा सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड देखिए, ये इसका बढ़िया सा व्यू। डैशबोर्ड में भी अगर हम नोटिस करेंगे तो अर्थ एडिशन की पहचान क्या है भाई साहब, ये AC वेंट्स के सराउंडिंग वही बॉडी कलर यानी कि अर्थ एडिशन वाला कलर उसके आपको फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सीट्स में यहाँ पे आपको वही सेम बॉडी कलर आपको लेदर टच मिलने वाला है बीच में, बाकी साइड में देख सकते हैं थार की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं तो हाइट एडजस्टमेंट सीट क्लाइंब दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इनके सीट्स में। नीचे यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन के देखेंगे, ABC पैडल, स्पीकर्स वगैरह एक यहाँ पे मिलेगा, दूसरा वहाँ पे, बाकी देखेंगे रूफ वगैरह में मिलेगी स्पीकर्स की प्लेसमेंट। यहाँ से आपको मैडी वाले सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जो ये आपको देगी ना यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। आइडियल डिस्चार्ज का बटन यहाँ पे, हेडलैम्प अर्शर वाला स्विच। बाकी अब आइए चलते गाड़ी के अंदर, लगाते चाबी को, फिर आपको दिखाते इसका पूरा डैशबोर्ड। तो गाइस अभी आ चुके हैं पे कार के अंदर, तो सबसे पहले देखेंगे अर्थ एडिशन में भाई साहब ये आपको मिलता है बड़ा सा वही गोल्डन कलर वाली यहाँ पे फिनिश के AC वेंट्स के सराउंडिंग। इसी के साथ साथ लेदर की A1 क्वालिटी की यहाँ पे सीट्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है इस एडिशन के साथ, जिसमें देखेंगे सेम बॉडी कलर यहाँ पे पूरा मिलता है कलर, थार की ब्रांडिंग भी यहाँ पे दी गई है। अब इसके बाद ऑन करेंगे यहाँ पे इसके इग्निशन को, तो अनलॉक पूरा यहाँ पे आपको उसमें इसका क्लस्टर देखने को मिलता है। इस तरफ यहाँ पे स्कॉर्पियो मीटर, इधर स्पीडोमीटर, 180 यहाँ पे मार्किंग मिलेगी, बीच में इसके मैड स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलती काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये दिए गए यहाँ पे इसके कंट्रोल्स, यहाँ से इस तरह प्रेस करके 4 हाई 4 लो वाली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे कि किस पे लगा हुआ है। 4 हाई पे जैसे कि लगा हुआ है, और प्रेस करेंगे ट्रिप ए हो गया, देन यहाँ पे और सारी चीज़ें देख सकते हैं, एवरेज माइलेज रेंज वगैरह, DLF वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन, सेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। एक तरफ टेम्परेचर वाले बार्स यहाँ पे रहेगा, फ्यूल गेज वाले बार्स, यहाँ पे कितने की गाड़ी चल चुकी वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें यहाँ पे महिंद्रा का लोगो बढ़िया सा, इधर जाएंगे क्रूज कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं राइट साइड में, एंड इसके बाद स्टीयरिंग व्हील में देखेंगे बढ़िया सा बटरफ्लाई वाला महिंद्रा का लोगो यहाँ पे देगा इसमें क्रूज कंट्रोल, इधर जाएंगे टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट के आपको मिलेंगे सारे बटन। ये इसकी यहाँ पे रहने वाली स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे देखेंगे अगेन वही गोल्डन फिनिश आपको मिलती है एडिशन वाली। एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर ले तो ये चेक करते हैं, टिल्ट एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगी इसकी यहाँ पे स्टीयरिंग, इस तरफ यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, क्लस्टर आपने देख लिया इस कार का। इसके बाद अब बात आती है इसकी डैशबोर्ड की, ये देखिए भाई साहब लग रहा है एकदम प्यारा सा रफ एंड टफ सॉलिड सा रहने वाला है, आप इसको कहीं पे भी कुदाइए फंदाइए कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी टच स्क्रीन, एंड इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इस तरह देख लीजिए इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस, कार इन्फो वगैरह देखते हैं,
तो TPMS वगैरह आता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये देख लिया, रेडियो एडवेंचर हो गया, एंड्रॉयड ऑटो हो गया, फोन वगैरह हो गया, पन्नी लगे ना इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे सेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं अपने हिसाब से। बट यहाँ पे आपको ना कैमरा नहीं मिलेगा, टच स्क्रीन तो रहती है। इसे रिवर्स गियर इसका लगा के दिखाएं आपको, ये लग गया देखिए। सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप चाहें तो बाद में यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं इस कार में। ये हो गए इसके सारे टच इन्फोटेनमेंट के। इसके बाद AC वेंट देखेंगे, वही आपको गोल्डन फिनिश में देखने को मिलेंगे। अर्थ एडिशन वाला पूरा फील दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलते हैं मैनुअल AC के कंट्रोल्स, हेजार लाइट का स्विच, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, लॉक अनलॉक का यहाँ पे दिया गया बटन, सीट बेल्ट वाला, एयरबैग ऑन ऑफ करने वाले स्विचेस। नीचे जाएंगे तो 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट, टाइप ए USB का पोर्ट एंड ऑक्स का पोर्ट, यहाँ पे फोन वगैरह अपना रख सकते हैं, इतना कुछ स्पेस। ये भाई साहब इसका 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4x4 है, तो उसका लीवर यहाँ पे दिया गया 4 हाई 4 लो वाला। आराम से लगा के बढ़िया कहीं पे भी चढ़ा दीजिए, कुदा फंदा दीजिए, पहाड़ों से लेके कहीं पे भी करिए, ऑफ रोडिंग कैपेबल हो जाती है भाई साहब इस लीवर की वजह से। दोनों फ्रंट वाले पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं सेंटर में, बाकी पीछे 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे दिए गए। ये होगा इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक। इधर की देख लीजिए डोल ट्रिम, हैंडल वगैरह दिया गया बड़ा सा पकड़ के बैठने के लिए। और अंदर की बात करें ना, ग्लव बॉक्स भाई साहब एकदम नाम मात्र, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। गाड़ी भी भाई साहब ना जानदार सी है ना, तो उस हिसाब से उतनी सारी चीज़ें चाहिए नहीं, तो भाई साहब कंपनी ने कहा लो भाई साहब, एकदम रगड़ सॉलिड सा फील, आराम से इसको लेके चले जाइए कहीं पे भी। ऊपर आते तो मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे इसका IRVM, सनवाइजर में देखेंगे तो टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया है। इधर जाएंगे तो आपको मिलता है वैनिटी मिरर। तो ये हो गया महिंद्रा थार का अंदर का पूरा इंटीरियर। अर्थ एडिशन भाई साहब ये मिलता है, ये मिलता है, बाकी बाहर बैजिंग मिलती है, नया सा कलर मिलता है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस एडिशन के साथ। तो ये आपने अंदर से देख लिया, अब बसता है भाई साहब पीछे का। तो पीछे का आपको दिखाता हूँ, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी खड़ी तो इसलिए जाएंगे नहीं पीछे, ऐसे आपको बता देते हैं। सीट्स वगैरह देख लीजिए, एडजस्टेबल आपको मिलेंगे दोनों हेडरेस्ट, एंड ये 50-50 जैसे में आपको फोल्डेबल सीट्स मिल जाएंगी। इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, देख रहे ना पूरा प्लेन सा रहता, बाद में आप यहाँ पे आर्मिस्ट वगैरह लगवा सकते हैं, मॉडिफाइड करा सकते हैं। स्पीकर्स यहाँ पर रहेंगे दो ट्विटर्स, बाकी 2 स्पीकर्स यहाँ पे, 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। रूफ लाइट यहाँ पर रहेगी वाइट LED वाली। सीट बेल्ट्स वगैरह आपको दिए गए हैं, बाकी आपने इस तरह देख लिया, बैठेंगे तो दो ही लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे, थर्ड पर्सन में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, अब चलिए चलते गाड़ी के बारे फिर बात करते हैं फाइनली इसके इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। सो ये आपने देख लिया इसके अंदर का पूरा इंटीरियर, अब इसको यहाँ पे करेंगे बंद। तो अभी आप देख रहे थे थार का ये अर्थ एडिशन डीजल वेरिएंट के साथ एडिशन का, आपको 2.2 लीटर में 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलती है 130 bhp की पावर, 300 nm का टॉर्क, 14 से 15 km तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस कार के साथ। इसी के साथ चाहे तो इसका रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 1500 cc का डीजल इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस डीजल इंजन के अलावा आपको दूसरा मिलता है यहाँ पे 2.0 लीटर में एम एस्टेलियन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगी 150 bhp की पावर, 300 nm का टॉर्क, वही मान के चलिए 10 से 12 km तक माइलेज आपको मिल जाता है इसके पेट्रोल वेरिएंट के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की। अगर आप इस अर्थ एडिशन को लेंगे डीजल में, जो अभी आपके सामने खड़ा है 4x4 वेरिएंट, तब आपको पड़ेगी 16,15,000 ex-showroom एंड वही जाएगी 18,70,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। एंड अगर आप इस अर्थ एडिशन को पेट्रोल में लेंगे तब आपको पड़ेगी 15,40,000 ex-showroom एंड वही जाएगी 18,00,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इस तरह के काफ़ी ढेर सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस महिंद्रा थार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस महिंद्रा थार के अर्थ एडिशन पे, जिसको आज हम लोगों ने डिटेल में कवर किया। सो इसके अलावा अगर आपको इसके रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट या नॉर्मल वाले थार का वीडियो देखना हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुनील ऑटो कार को विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आज का हमारा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगले किसी बड़े से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।